अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हदीस सदकात और खैरात की फजीलत के बारे में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स जंगल और बियाबान में खड़ा था कि अचानक उसने बादल के टुकड़े से एक आवाज़ सुनी जिसमें कोई कह रहा था कि फला शख्स के बाग को शराब करो। थोड़ी देर के बाद वो बादल का टुकड़ा ने अपनी पूरी पानी को एक पथरीली जमीन पर उड़ेड़ दिया। वहाँ से वो पूरा पानी एक नाली से दूसरे नाली में जमा होकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो शख्स भी वो पानी का पीछा करते हुए आगे की तरफ गया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसको एक बाग नजर आई जिसमें कोई शख्स अपनी कुदाल के जरिए पानी को आगे पहुँचा रहा था। वो शख्स उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बाग वाले आदमी से पूछा कि क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। उसने अपनी नाम बताई और पूछा कि आपने मेरा नाम क्यों पूछा। तो वो शख्स ने जवाब दिया कि ये जो पानी आप बाग में पहुंचा रहे हैं ये मैंने थोड़ी दूर की मुसाफत पर एक बादल से आप आवाज़ सुनी थी जिसमें कोई आपका नाम ले रहा था और इस बादल को हुक्म दे रहा था कि जाकर आपके बाग को शराब करे। क्या आप बताएंगे कि आप क्या अमल करते हैं जिसके वजह से अल्लाह ताला आपके साथ ये मामला करता है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं अपनी इस ज़मीन से जो भी मेरी कमाई होती है उसकी एक तिहाई हिस्सा को सदका और खैरात कर देता हूँ और एक तिहाई हिस्सा को खुद पर खर्चा करता हूँ और अपने फैमिली और अहले आयाल पर खर्चा करता हूँ और जो एक तिहाई और हिस्सा बचता है उसको इस ज़मीन पर दोबारा मैं लगा देता हूँ। इस हदीस से ये साबित हुआ कि सदका और खैरात कितना अहम है और अल्लाह उससे कितना खुश होता है। इस हदीस से हमें यह भी मालूम हुई कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको फरिश्ते की आवाज़ भी कभी कभी सुनाई देती है। इस हदीस से हमें ये भी मालूम होता है कि अपने कमाई का जो हिस्सा है जो हम अपने खानदान पर जो अहले आयाल पर खर्चा करते हैं उसकी भी फजीलत है, अल्लाह उसको पसंदीदा नज़र से देखता है। तो दोस्तों आप भी अपने कमाई को जायज़ तरीके से खर्चा करें, खुद पर खर्चा करें, अपने अहले आयाल पर खर्चा करें और जो गरीब लोग हैं, जो माजूर लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं उनको भी अपने कमाई से सदका और खैरात दे और इस तरह से सवाब आपको भी मिलेगा और आपके फैमिली मेंबर्स को भी मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।